टू अवर चैनल। हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के 6 लेक्चर्स अभी तक कवर किए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 बेसिक थ्योरी का था, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, लेक्चर 5 था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, जिसमें हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मंथ्स के हिसाब से कैसे लगती है, बिगनिंग में, मिड में और एंड में, एंड ऑफ द पीरियड में, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक बताई थी कि आप कैसे इजीली आप उसको याद कर सकते हो कि कितने मंथ्स लगेंगे बिगनिंग में, मिड में या एंड में। नेक्स्ट हमने किया था लेक्चर 6 में सेम टॉपिक का इलस्ट्रेशन, जिसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी सिखाई थी। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दी जाती है, जब हमारा प्रॉफिट एप्रोप्रिएट है तब, और जब हमारा प्रॉफिट एप्रोप्रिएट नहीं है तब। तो अभी तक अगर आपने वीडियोस प्रीवियस नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में गिवन है। प्लेलिस्ट प्रॉपरली बनी हुई है, अगर आपने प्लेलिस्ट चेक करनी है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कवर करूंगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू डायरेक्टली समझाती हूँ कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी। हम अपने इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। A and B are partners sharing profit in the profit and loss in the ratio of 3:2. Capital of A and B partner is 2 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively. इसमें कुछ केसलेट्स बताए हुए हैं। फर्स्ट केस में बताया हुआ है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखी हो मेरे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना ही हम सैलरीज देंगे, ना ही हम कमीशन देंगे, सिर्फ और सिर्फ ना ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम नहीं देंगे। और उसमें एक चीज और एड ऑन थी कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1:1 की रेशो में, अगर पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट हो। लेकिन हमारे को इस क्वेश्चन में पहले ही स्पेसिफाई कर दिया ए और बी पार्टनर से 3:2 की रेशो में। तो हम जो प्रॉफिट है 50,000 का प्रॉफिट है वो 3:2 की रेशो में बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम नहीं पे करेंगे। तो यानी कि केस 1 में हम देखेंगे हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, एब्सेंस है, यानी कि साइलेंट है। तो इसमें हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को यहाँ पे हम प्रॉफिट पहले तो ब्रॉक डाउन करेंगे बाय पीएनएल के नाम से, बाय पीएनएल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। और ये 50,000 रुपीज में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं देंगे, हम डायरेक्टली टू प्रॉफिट ए और बी को, ए और बी 3:2 की रेशियो में है, 50,000 का इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 30,000 और बी का कितना हो जाएगा 20,000। ये 50,000 हम डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट के नाम से। तो ये 50,000 हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। नेक्स्ट हमारा केसलेट है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर इज 50,000। जब हमें लॉस हो रखा होता है तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की बजाय लॉस को हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेते हैं अपने अकाउंट में, जो कि लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो केस नंबर 2 जो है हमारा, उसमें भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लॉस जो है, लॉस हमारा किधर की साइड ब्रॉक डाउन होता है, यहाँ की साइड प्रॉफिट ब्रॉक डाउन होता है, यहाँ की साइड लॉस ब्रॉक डाउन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पीएनएल अकाउंट, जो कि हो जाएगा हमारा 50,000। 50,000 का जो लॉस है, अब क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 की रेशियो में है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीजें हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस के नाम से ए बी, ए की क्या रेशियो है 3:2 × 3/5, जिसे आ जाएगा यहाँ पे 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो टोटल 50,000 का लॉस हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 50,000। नेक्स्ट हमारा केसलेट आता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। 50,000 का प्रॉफिट है हमारा, हमारी जो कैपिटल है वो है 2 lakh rupees एंड 1 lakh rupees। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा जो थर्ड केस में प्रॉफिट है वो क्या है, सफिशियंट प्रॉफिट है। जब हमारा प्रॉफिट सफिशियंट होता है तब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देते हैं जितनी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितनी है 8% पर एनम के हिसाब से, तो यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट कितने से 50,000 से,
यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमारी कितने की है 2 लाख रुपए के ऊपर 8% के हिसाब से 8/100। तो यहाँ पे ए की कैपिटल कितनी आ जाएगी 16,000 रुपीज, बी की कैपिटल कितनी की है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज के ऊपर 8% के हिसाब से तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो यानी कि 16,000 ए की और 8,000 रुपीज बी की, तो यहाँ पे ए की कैपिटल आ जाएगी 16,000, बी की कैपिटल आ जाएगी 8,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24,000। अब 50,000 में से 24,000 अगर मैं डिडक्ट कर दूं तो कितना मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, वो हम प्रॉफिट क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000 में से 24,000 डिडक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा 26,000। 26,000 को ए और बी किस रेशियो में ले जाएंगे 3:2 में, 26,000 रुपीज इंटू 3/5, 5 के टेबल में 26 नहीं आता 25 आता है, 5 पर 10 आता है 2 पर 5200, यानी कि 5200 इंटू 3 00326 15,600 रुपीज ए ले जाएगा प्रॉफिट का हिस्सा। बी कितना ले जाएगा 52,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 00224 और यहाँ पे आ जाएगा 10,400 और दोनों को अगर मैं एड बैक कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10, 10 का 1, 6, 2, तो यानी कि 26,000 रुपीज पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ए का शेयर कितना आ जाएगा 15,600, बी का शेयर आ जाएगा 10,400। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट था वो क्या था सफिशियंट था, इस जगह लॉस थी तो हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप डीड जो थी साइलेंट थी जिस रीजन से हमने प्रॉफिट को बांट लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब नेक्स्ट हमारा केसलेट आता है केसलेट 4 जिसमें हमारा बताया हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, प्रॉफिट 15,000, प्रॉफिट हमारा 15,000 का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी है। अब अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने की है 24,000 रुपीज की और हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितने का 15,000 रुपए का, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। केस नंबर 4 में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे रेशियो में ले जाएंगे। सबसे पहले हमारी ए और बी की रेशियो निकालेंगे, ए और बी की रेशियो जो कि इसकी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है 16,000 रुपए का, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है 8,000 रुपए का और इसकी हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितनी आ जाएगी 2:1। ये 2:1 की रेशियो में यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा बाय P&L अकाउंट जो कि कितने का होगा 15,000 रुपए का। अब ये जो 15,000 रुपए हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से चले जाएंगे 2:1 की रेशियो में, यानी कि ये जो प्रॉफिट है हमारा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से और किस रेशियो में 2:1 की रेशियो में। रीजन बिहाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए और बी का था वो कितने का था 16,000 रुपए 8,000 रुपए जिससे हमारी रेशियो निकल गई 2:1। तो 15,000 रुपए को मैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ए और बी को वो प्रोवाइड कर देंगे 2:1 की रेशियो में इंटू 2/3, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर 5 × 2 = 10, 10,000 यहाँ पे ए को चला जाएगा बी को चला जाएगा 5,000, तो यानी कि 15,000 रुपीज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से हमारे दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इस वाले क्वेश्चन में से आता है, इस सबलेट में से आता है। रीजन बिहाइंड हम समटाइम्स भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड करें जब हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट ना हो। लास्ट हमारा केसलेट आता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000। अब हमारा जो केस 5 है, केस 5 में भी क्या बताया गया है कि 15,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट वहां पे 15,000 रुपए का था, यहाँ पे भी 15,000 रुपए का, लेकिन यहाँ पे चार्ज बना दिया गया। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एक होता है चार्ज, चार्ज क्या होता है जो आपको कंपल्सरी पेमेंट कर दी जाए, तो इस वाले केस में आपके ऊपर चार्ज बना दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है चाहे आप लोग लॉस में चले जाओ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपको देनी ही देनी होगी आप पूरे के पूरे अमाउंट से दोगे, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी दी जाएगी, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट नहीं था इसलिए हमने रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है यानी कि एनपी हमारा कितने का 15,000 रुपए का, यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे करोगे ए और बी की, ए की है 16,000 रुपए, बी की है
8,000 रुपए, यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल 24,000 रुपीज, और एक्चुअल में वहां पे 15,000 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर मैं 24,000 में से 15,000 डिडक्ट कर दूं तो मेरे पास 9,000 रुपीज का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। यहाँ की साइड हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ की साइड हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बाय लॉस के नाम से आ जाएगा, बाय लॉस ए और बी, क्योंकि हमारे पास 9,000 का लॉस है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2, तो यानी कि 3 बाय 5 की टेबल में 9 नहीं आता, फिर 5 आता है 1 पर, और 40 किस पर आता है 8 पर, 1800, 18 × 3 0 0, 8 3 24, 2 आ जाएगा, 3 1 3 4 5, 5,400 का लॉस कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा। बी कितने का ले जाएगा, बी ले जाएगा 1800 × 2 जो कि कितना हो जाएगा 0 0 6 1 2 1 2 3 3,600 रुपीज का, जिसका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 9,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24,000 रुपीज का बैलेंस जो है वो आ जाएगा, 24,000 का जो बैलेंस है वो इक्वल अकाउंट इक्वल हो जाएगा, और 9,000 का लॉस जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में, क्योंकि हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, चार्ज था, ना कि हमारे को एप्रोप्रिएशन बताया गया था कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ पे हमारे को चार्ज बताया गया है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप हमारे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बता सकते हैं। थैंक यू।